आज हो गया हमें हफ्ता और हमें हफ्ते से पानी नहीं आया। वहां से हमने आज रात को पानी चोरी करेंगे जंगलों में। जी डर लग रहा है, फ्लो बढ़ सकता है कभी भी। गाइस इन्होंने मेरे कपड़े धो रहे हैं। लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है भाई, आजकल तो बहुत रिस्की है। Hey y'all people, welcome back to my channel. So, अभी बज रहे हैं दिन के 3 और आज है 18 तारीख 18th of August। और जैसे कि पता है आप लोगों को बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बारिश होने के कारण पाइपें टूट गई है और पाइपें टूटने के कारण आज हो गया हमें हफ्ता और हमें हफ्ते से पानी नहीं आया। आज 6th day है कि 5th day है, 5वां दिन है। ये हम लोगों को तो छोड़ो, हम खुद अभी यहाँ बाहर बारिश पड़ रहा था, बारिश का पानी मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ यार, लाइक दिखा देती हूँ, हमारे पास पानी नहीं आ रहा है। सो हम यहाँ बाहर हमने बाल्टियाँ रखी हुई है पानी के लिए, ये देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, ये बाल्टियाँ रखी है, ये बड़ा सा ड्रम भी रखा हुआ हमने उधर। तो गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हम ये गॉगल्स पहन के क्यों बैठे हैं। हम मींस फिलहाल मेरे साथ है टशी, इतो व्हाट शी से हाय एंड शी इज तनुजा, ये हमारे पीजी में ही हमारी फ्रेंड है। सो टशी का कहना है कि मैं आज तक रिपोर्टर की तरह साउंड कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि हमने गॉगल्स पहन के क्यों बैठे हैं, क्योंकि सबको आई फ्लू फैल रहा है। अंधी जैसी तो नहीं लग रही हूँ मैं इसमें, नहीं लग रही होंगी। सो हम दिखाते हैं आपको हमारा डे इन लाइफ, हम कैसे जी रहे हैं बिना पानी के। हमें यहाँ पे हो गया आज 5वां दिन है हमारा, पानी आ ही नहीं रहा। अभी तक हमारे पास पानी था, हम पानी ढो के ला रहे थे। मैंने आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो देखिए, हम पानी 3 किलोमीटर दूर हम सिर्फ पीने का पानी लेने जा रहे हैं। वॉशरूम्स तो दूर की बात, चलो बाहर टैंकी था, अब तो वो टैंकी भी खाली हो गया हमारा। सो हम अपना दिन कैसे जी रहे हैं वो दिखाती मैं आप लोगों को। लाइट तो हमारे पास ये बर्तन भी धोने को, पता नहीं बर्तन कैसे धोएंगे, सफाई भी नहीं की है हमने पहली बार। तो अभी तक हमारे पास बर्तन धोने का पानी यहाँ पे हमने स्टोर करके रखा था, ये भी हमारा खाली हो गया। ये बस हमारे पास पीने का पानी है फिल्टर में। सो मतलब इतने किल्लत आ गई है हमें। अब हम पानी भरने जाएंगे, मतलब अभी भैया के साथ आ गया। हमारे पास ये वाला टैंकी था, हम वॉशरूम के लिए वाला टैंकी यूज़ करते थे, पर अभी फिलहाल हमारे ये वाला टैंकी भी ख़त्म हो गया। अब हम पानी की तलाश में जा रहे हैं, अगर यहाँ कहीं पर नलका नुलका मिल गया ना। सीन ये है कि ये पंचायत घर में ना, जो पंचायत घर तो पता होगा आप लोगों, वहाँ पे ना टैंकी है, तो पंचायत में तो कभी कभी आते लोग, वहाँ से हम ना आज रात को पानी चोरी करेंगे। अभी दिन दिहाड़े नहीं कर सकते, फिर लोग भी बोलेंगे यहाँ वहाँ नलका लगा हुआ पंचायत में पानी। हमारे IPS मैडम ने बताया कि जैसे हमारे यहाँ के IPS मैडम है, जब पानी की कमी हो तो यही देखती है, ऊपर देखने जाती है, पर अब इस टाइम ये भी कुछ नहीं कर सकती है। सो इन्होंने ही हमें वो नलका दिखाया, हम रात को करेंगे क्योंकि अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी लोग हैं हमें देख लेंगे, फिर वो लोग भी चोरी करेंगे, फिर हमें नहीं बचेगा ना। क्यों होगी खत्म लगता है, दिन में तो करते ही होगे। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कौन सा ये वाला है टंकी। देखो गाइस ये वाला टंकी, दिखाते हैं हम आपको कैसे चोरी करेंगे। ओह इसका नलका भी इधर ही है, यहाँ इसका नलका, वो पानी है, ये नहीं है नलका, ये नलका, ये है। सॉरी गाइस, हम बच के तो ना हम बचा के रखेंगे इस पानी को, शाम को आएंगे भाई, शाम को आएंगे। और सबसे बड़ी बात, पानी नहीं होने के कारण, सॉरी पानी तो है ही नहीं, और इस टाइम लोगों को लूज मोशन लगे हुए हैं इनको लगे हुए लूज मोशन, इस टाइम ही आना था इनको भी कल तक तनुजा पानी के मामले में सबसे अमीर थी, इसके बाद 2-2 बाल्टियां पानी थी, पर लूज मोशन जैसे ही इनके शुरू हो गए सबसे गरीब है ये, सबसे गरीब। तो अभी हम वॉक पे जा रहे हैं, हम देखते हैं और कहाँ पानी मिलेगा, क्योंकि हमें रात को टाका मारने जाना है पानी के लिए। क्यों गाइस हम जा रहे कपड़े धोने, आज है 19th, आज है 19 तारीख, और आंटी भी जा रहे हैं हमारे कपड़े धोने। हम जा रहे हैं खड़ में, और इन दोनों में अंकल फिर पानी लेके आएंगे पीने के लिए भर के। अब हमने सामान यहाँ पे डाल दिया, अब हम इसमें जाएंगे भैया के साथ। चलो ये ले लिया हमने साबुन, अब इसमें पहले से शेप पड़ा है, यहाँ पीछे से ऐसे करके कपड़े पीछे से आ जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है भैया, अब हम पहुँच गए हैं यहाँ खड़ के पास, देखते पानी कैसे साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वाओ पानी तो एकदम साफ आ रहा है, नाइस। पता नहीं कहाँ धोएंगे, जंगलों में पानी साफ है, पानी बहुत साफ है यार, पानी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये आ गए हमारे अंकल जी, अब हम निकालेंगे सामान सारा। चलो गर्ल्स निकालो, सामान निकालो,
पानी पीने वाला बढ़िया तो बड़ा डेंजरस है। हाँ ये देखो अंकल जी, छोटा झरना है ना, रगड़ने को नहीं है तो अपने अपने बाल्टियों में ही करना पड़ेगा। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ गर्ल्स, लग जाओ। मैं कैसे आऊंगी? चाची डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ये ऊपर ना टूटू में बारिश पड़ रही, बोलो यहाँ से कभी भी नदी का फ्लो बढ़ सकता है कभी भी। ये देखिए तमिल जगह इधर, ये आंटी और चारू साइड दो रहे। हमें डर भी लग रहा है यार, ये ऊपर से भी डर लग रहा है और बारिश हो रही है सबसे बड़ी बात। बट क्या करे यार, कब से पड़ा हुआ है यार ये कपड़ा हमारे पास। अभी यहाँ पे धूप निकली थी, अब अचानक से बारिश पड़ने वाली है और बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, पर अब जल्दी जल्दी धो के फिर निकल जाएंगे। लोग अभी भी बढ़ सकता है पानी का और हमारे फट के हाथ में आ रहे हैं। क्यों नशी? नहीं, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, बस ये कि भीग जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। हाँ बाकी कुछ नहीं गाइस, सब ठीक है, तो टेंशन नहीं है। तब आंटी के सुपर मैन है जो बचा देंगे हमें। आंटी को पता है, तीसरी गांव की, उनको सब पता है। आंटी कह रहे जल्दी करो, आंटी नहीं बोले जल्दी करो, पानी का भाव बढ़ सकता है। आंटी तो खुश है मस्त। अब हम कपड़े धो रही है, तनुजा मैडम के तो खत्म हो गए कपड़े धो के, थोड़े से कपड़े थे इनके, अभी हमारा बहुत बचा हुआ है। सबसे ज्यादा पता है किसका है? चारू और आंटी का। हाँ बहुत है इनका। हम तो मतलब ऐसे जल्दी फारिक होने वाले, अब बारिश भी रुक गई है, मौसम भी ठीक है थोड़ा। कितने कपड़े बचे आप? बस ये बचे, बाकी छान है। अब मैं तो फ्री हो गई हूँ कपड़े धो के, टेशी मैडम का बचा हुआ है, तनुजा का तो कब का हो गया, और चारू और आंटी अभी कपड़े धो रहे हैं। गाइस ये दोनों मेरे कपड़े धो रहे हैं। हाँ ऐसे धोते हैं कपड़े, हाँ ऐसे। आप कैसे धो रहे थे दिखाओ तो, दिखाओ मुझे। ये ऐसे धो रही है, पूरी मिट्टी अंदर डालने वाली थी। तो मतलब कि मेरे कपड़े मिट्टी वाले हो गए। अभी पास करेंगे हम इसको, पानी का फ्लो देखो कोई भी उड़ सकते है पानी में। तो हमने धो लिया है सारा, आंटी का भी हो गया, हम दोनों का भी हो गया है, तनु का तो सबसे पहले हो गया था, चारू का भी हो गया। तब हम जा रहे हैं यहाँ से, चलो अभी ये लोग इसमें जा रहे हैं, आंटी और चारू इसमें जा रहे हैं, मैं तनुजा और टेशी अब हम पैदल जाएंगे, बाकी हमारे यहाँ सामान तो डाल दिया है सारा। चल तनु आ जाओ, तो पानी लेने आए, पानी खत्म हो गया है यहाँ पे, अब हम फिर पानी लेने जा रहे हैं। और ये दोनों में भर के लाए थे भैया, और ये दोनों खत्म हो गया पानी पीने का। ये पुरानी बाल्टी है, अभी हम भैया के साथ फिर से जा रहे हैं पानी भरने, क्योंकि पानी खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे सिर्फ वॉशरूम का पानी भरेंगे और ये पानी साफ, अब बैठ जाओ। चलो चलो हम बिना पानी भरे वापस जा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। कैसा लगा पानी भरती है? अब भगवान ने बारिश में पानी भेज दिया, अब हम बाल्टियां रख देंगे ऊपर, नीचे बाल्टियां भी भर लेना बेटे, बाल्टियां भर लेना, बाल्टियां भर लेना। वापस खाली हाथ, खाली हाथ आ गए वापस। रूम में वापस आ गए, पानी तो था नहीं पर हमने पानी पहले भर दिया था बस वॉशरूम्स के लिए, तो बाहर उसमें हो गया है। अब बारिश का पानी भी हम स्टोर कर रहे हैं, बारिश बहुत तेज हो रही थी तो हमने एक और बार राउंड लगाना था पानी का, पर बहुत बारिश हो रही थी तो रिस्क नहीं ले सकते, लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है भाई, आजकल तो बहुत रिस्की है। तो यही चला आजकल दिन भर पानी, बारिश के बाद हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, थोड़ी दिन भर ऐसे रोते रहते कि पानी नहीं है पानी नहीं है करके। सो यही था हमारा दिन। So that was it for my video guys, bye bye.